हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल एंड आवर क्लासेस, राज कोचिंग क्लासेस। सुबह की क्लास में हमने देखा, आज की क्लास संडे की स्पेशल क्लास थी प्रायोरिटी जेई एंड नीट के लिए, तो अभी की क्लास स्पेशल है, कुछ टॉपिक बच गए थे उसको कंप्लीट कर देंगे आज। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि हमने पहले से लिख दिया, नेगेटिव फीलिंग साइड इज ऑनलाइन करेंट कैरी। क्या है टॉपिक आज का, आप देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनाइड कैरिंग करंट। ठीक, तो व्हाट इज सोलेनाइड? सोलेनाइड का डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, आप लोग इसको उतार लीजिए। एज सिलेंड्रिकल क्वायल, मान लो यदि कोई सिलेंडर है उसमें बहुत सारे कॉपर के वायर को यदि हम लपेट देते हैं, यदि एक सिलेंडर है तो बहुत सारे कॉपर के वायर को हम लपेट देते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर में जर में होता है जो, जिसके ऊपर क्या लग रहता है, प्लास्टिक की लगी रहती होती है। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर को बहुत सारे वायर को लपेट देते हैं, जब उसे हम करंट फ्लो करते हैं, दैट इज कंप्लीट सोलेनाइड। ठीक है, तो वी कैन से दैट सोलेनाइड इज द आर्टिफिशियल मैग्नेट है एंड द प्रॉपर्टी ऑफ सेम इन द नेचुरल मैग्नेट। ठीक, तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, अभी आप लोग उतार लेना, थोड़ी देर बाद मैं इधर पीछे चले जाऊंगा तो इसको आप उतार देना। एसिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ मैनी टाइटली वाउंड, एसिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ मैनी टाइटली वाउंड टर्म्स ऑफ इंसुलेटेड वायर। इंसुलेटेड वायर मैंने जैसे बताया था, इंसुलेटेड वायर विथ जनरली डायमीटर ऑफ कॉइल, है ना, डायमीटर ऑफ कॉइल स्मॉलर देन इट्स लेंथ इज नोन एज सोलेनाइड्स। ओके, तो कहने का मतलब होता है, मैंने जैसे बताया कि सोलेनाइड जो होता है दैट इज मैग्नेट, प्रॉपर्टी द सेम, बट एक प्रॉपर्टी उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि जब मैग्नेट जो होता है उसका, जब किसी मैग्नेट को किसी आयरन पाउडर में डुबा के निकालेंगे तो उसके जो नॉर्थ और साउथ है वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, चुंबकत्व ज़्यादा होता है। लेकिन जो सोलेनाइड होती है उसके बीच में जो होती है मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, यानी चुंबकत्व का गुण ज़्यादा होता है ना। तो आज हम देखेंगे आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में, जो आप कह सकते हैं, आज के चैप्टर में हम देखेंगे यदि सोलेनाइड है तो उसके अंदर करंट कैरिंग कैसा होता है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि यह डायग्राम बना हुआ है, ये अपने कॉपर की वांडेड वायर ले लिया है, जब उससे हम करंट फ्लो करते हैं तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट बन जाती है। लेकिन इसका इफेक्ट तब तक रहता है जब तक हम करंट फ्लो करते हैं, जैसे करंट फ्लो करना बंद करते हैं तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट नॉर्मल हो जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और लिखवा देता हूँ मैं। ओके, तो सिलेंडर कॉइल ऑफ मैनी टाइटली वाउंड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर द जनरली डायमीटर ऑफ द कॉइल स्मॉलर देन इट्स लेंथ। ओके, तो सोलेनाइड कंसिस्ट ऑफ इंसुलेट कॉपर वायर, जैसे मैंने बताया था, सोलेनाइड कंसिस्ट मैंने मिलकर बना हुआ ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड क्लोजली एक दूसरे के पास पास इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हेलिक्स। ए लॉन्ग सोलेनाइड मीन्स ए सोलेनाइड वोज लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डायमीटर। अब देखो, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनाइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। ठीक, आप जो सोलेनाइड देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनाइड इज यूनिफॉर्म इज एवरीवेयर। ये सोलेनाइड के अंदर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। ठीक है, सोलेनाइड है एंड नियरली जीरो आउटसाइड। तो मैंने जो दिखा है, जो सोलेनाइड है उसके बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, कॉमन सी बात है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनाइड, तो मालूम होगा। अब मैंने क्या किया है, देखिए बना दिया है आपको डायग्राम जो होता है। कंसिडर वे लॉन्ग सोलेनाइड हैविंग ए एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने समझाया है, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, और इसके अंदर यूनिफॉर्म मैंने पैरेलल लाइन दे आर पैरेलल टू ईच अदर विदाउट एंगल सबमिट, और एक समान होगा और एक दूसरे से समांतर होगा, और बाहर जो होगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जीरो होगा।
मान लो ऐसा एक सोलेनोइड है जिसमें फेरों की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन, ठीक है, दैट इज सोलेनोइड एन। इसमें क्या है, प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी इतना है एन। लिख लीजिए आप नंबर ऑफ टर्न्स, यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू एन। करंट कितना फ्लो हो रहा है, इक्वल टू आई। ओके, अब ये जो सोलेनोइड है इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। ठीक, कंसीडर लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल, मैंने लेंथ इसको कैपिटल एल लिया, कैपिटल। ओके, टोटल सोलेनोइड है जिसकी लेंथ की कैपिटल है, अपर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट कितना लिया है एन, करंट हो कितना है आई है। टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक इमेजिनरी सा रेक्टेंगुलर लूप ले लिया अंदर। देख रहे हैं आप, ये जो सोलेनोइड है इसके अंदर मैंने रेक्टेंगुलर लूप ले लिया है पी क्यू आर एस, एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिया है पी क्यू आर एस, रेक्टेंगुलर लूप ले लिया मैंने पी क्यू आर एस। तो इसमें आप देख सकते हो ये पी क्यू है, ये जो इसकी साइड देख रहे हो पी क्यू, दैट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड साइड्स पी एस एंड क्यू आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैंने क्या बोला, साइड पी क्यू पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड अदर साइड पी एस एंड क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड साइड एस आर इज आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इतना मैंने निकाल दिया, लिखते जाइए, काफी कलम लेंगे, वैसे एक साथ कंप्लीट कर देंगे, एक एक चीज बारीकी समझाऊंगा, बाकी पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी, अब जल्दी जल्दी का कोई रोल नहीं है। ओके, करंट थ्रेडिंग थ्रू द मैग्नेटिक क्लोज्ड पाथ है ना, करंट थ्रेडिंग थ्रू रेक्टेंगुलर क्लोज है। ओके, लिख लीजिए, लिखिए करंट थ्रेडिंग, करंट थ्रेडिंग थ्रू क्लोज रेक्टेंगुलर लूप कितना जाएगा एन, एन व्हाट इज एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एल व्हाट इज एल, एल मैंने लेंथ मैंने एक्स ले लिया, एल ले जो भी ले सकते हो एक्स, आई इज द करेंट। ठीक, एक्चुअल में होता क्या, जैसे लेंथ एल ले लिए हैं तो इसको मैंने लेंथ भी एल ले लेता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो टोटल लेंथ कितनी कैपिटल एल है, और तो इसको मैंने एल ले लिया, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये क्या हो, करंट थ्रेडिंग थ्रू क्लोज रेक्टेंगुलर लूप, लिखिए, चलिए जल्दी लिखिए, अप्लाइंग एम्पियर सर्किट लॉ, व्हाट इज एम्पियर सर्किट लॉ, अप्लाइंग एम्पियर सर्किट लॉ फॉर द क्लोज पथ पी क्यू आर, लिखिए अप्लाइंग, अप्लाइंग एम्पियर सर्किट लॉ क्लोज्ड लूप पी क्यू आर एस, तो ये एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किट लॉ को। तो मैंने एम्पियर सर्किट लॉ बताया था लास्ट टाइम से, क्या था, लीनियर इंटीग्रल इक्वल टू न्यू नॉट टोटल करंट हुई। ओके, तो इसका ऐसे हो जाएगा, ये क्या होल सरफेस के लिए पी क्यू आर एस इक्वल टू न्यू जीरो, और यहां निकाले हमारे एन एल और आई। ओके, ओके, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।
अप्लाइंग एम्पियर सर्किट लॉ फॉर क्लोज लूप पी क्यू आर। सबसे पहले हमने निकाला करंट थ्रेडिंग थ्रू क्लोज रेक्टेंगुलर लूप, राइटिंग में देख लीजिए इसमें बार बार आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लंबा जाए लेकिन समझ में आना चाहिए, एक एक चीज को देख लीजिए, आप कोई डाउट हो तो पूछते जाइए, ओके। यह निकालिए, अब हम अलग 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 सेक्शन का अलग अलग आर्म्स का हम क्या निकालेंगे एम्पियर सर्किट लॉ से, देख लीजिए। निकाले, ओके चलिए, सबसे पहले लगाते हैं पी क्यू, पी क्यू डॉट बीआर क्यू आर बीआर आर एस बी डॉट बीआर, ओके। पहले निकाला मैंने पी क्यू बी डॉट डी एल, फिर क्यू आर आर एस एंड लास्ट एस आर बी डॉट डी एल, ओके। दीज आर इक्वल टू यू नॉट एन एल आर, कॉपी करते जाइए, कॉपी करते जाइए, क्लियर हुआ। एंड आप देख सकते हैं ये जो साइड मैंने निकाला है कौन कौन सा साइड, क्यू आर एंड एस आर, क्यू आर एंड एस आर, क्यू आर एंड एस आर द परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ओके। साइड्स क्यू आर एंड एस आर ओके, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो बी इसमें लिखेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। तो कॉस 90 डिग्री इक्वल टू जीरो, कॉस 90 इक्वल टू जीरो, कॉस 90 इक्वल टू जीरो, कॉपी के लिए थोड़ा मिटालना पड़ेगा, ओके। और पैनालका के बाहर ये जो सॉलिड है इसके बाहर जो है एस आर, ठीक। तो एस आर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो फॉर एस आर, बी इक्वल टू जीरो, देन आर एस बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो। हमने तीनों साइड्स का निकाल लिया, कोई डाउट फोटो खींच लीजिए, अब इसको थोड़ा मिटालना पड़ेगा हमको, इसका मैं एक पोर्शन यहां थोड़ा सा मिटा देता हूं, इसको आप थोड़ा सा समझ जाइएगा, इसको हम मिटा देते हैं ये वाला पोर्शन, तो हमको ये मिल जाएगा यहां पर थोड़ा सा, ये देन अब निकालेंगे हम किसके लिए और साइड्स पी क्यू, ओके क्यू बी डॉट डी एल कॉस थीटा, देन थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, तो
आपको निकल जाएगा क्या, पी क्यू बी और डी एल। अब आप बी को बाहर निकाल देंगे तो डी एल पी क्यू, तो ये इक्वेशन किस टाइप हो जाएगा, बी और ये डी एल कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी ली है अपन, एल, लेंथ कितनी है एल। एनी डाउट? एनी डाउट? एंड दिस आर इक्वल टू, दिस आर इक्वल टू म्यू जीरो एन एल आई, तो बी एल इक्वल टू म्यू जीरो एन एल आई, ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएंगे तो बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो एन आई। अब एक चीज और बचा है यहाँ पर, देख लीजिए कोई डाउट हो तो क्लियर कीजिए, डाउट बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अब हम ये मान सकते हैं स्मॉल एन क्या था, व्हाट इज स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनाइड, और एल क्या थी, कैपिटल एल टोटल लेंथ ऑफ सोलेनाइड, देन एन इज व्हाट, एन इज द एन बाई एल, ठीक है, एन इज द एल बाई एल। मैंने ये बोला ये टोटल लेंथ ऑफ सोलेनाइड, टोटल लेंथ ऑफ सोलेनाइड कितना थी हमारी, टोटल लेंथ ऑफ सोलेनाइड इक्वल टू कैपिटल एल, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू कैपिटल एन, तो वी हैव एन इक्वल टू एन अपॉन एल, ये हमारा आ जाएगा। तो ये मैंने जो है, देखिए इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने पहले ही बताया था, मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड है आउटसाइड है, जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रहती है उसको मैंने क्रॉस से शो किया है, और जो आउटसाइड रहती है उसको मैंने डॉट से शो किया है। यदि आप सोलेनाइड लेंगे, सोलेनाइड के मैंने बताया था इस पर बहुत सारे कॉपर के वायर लपेट के जब हम क्या करेंगे इसमें करंट फ्लो करेंगे, तो इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो आपकी तरफ होगा, तो इसमें करंट जो है अंदर क्यों जा रही है, उसमें करंट बाहर क्यों जा रही है, जैसे सोलेनाइड जैसे बताया था मैंने लास्ट चैप्टर में बात की है, राइट हैंड रूल का, ये सब रूल का, राइट हैंड रूल का बताया था ये सब का, तो जो करंट अंदर क्यों जाती है तो उसको अपन क्या करते हैं क्रॉस से, जो बाहर की जाती है उसको डॉट से मैंने शो किया है।